कि दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर पेरेंट डिवोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए, तो उसके लिए मैं आया हूँ आपके लिए। देखिए, ये मैंने कुछ पीपीटी तैयार की थी आपके लिए, मे बी आपके लिए ठीक हो। सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, रेवेन्यू के अंडर आता है बोल सकते हो। इसके अंडर में तीन इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है एसएससी के थ्रू, तो वो है सबसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है और अपना एग्जामिनर है। ठीक है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर तो हो गया आपका, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेगा, ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं। एग्जामिनर है, एग्जामिनर का आपने पूछा नहीं है। एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर दोनों ही डॉक्स एरिया में काम करते हैं, इसी एरिया में इनकी पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर, एज पर आप योर आपने कहा था उस हिसाब से। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर कहाँ से रिक्रूट होता है ये आप सबको पता है, लेकिन कुछ लोग नए देखेंगे उनके लिए है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टम कलेक्टिंग टैरिफ कंट्रोलिंग गुड एंड आइटम्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके अलावा दूसरी ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, जो कि मेन डाउट था आप लोगों का, तो कई लोगों का डाउट था, कई लोग मेरे से पर्सनली पूछ रहे थे। तो इन सिटी में जहाँ पे पोस्ट ले रहे हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, कोची है, चेन्नई है, कोलकाता कोची विशाखापट्टनम, इन छः जोन जो छः जोनों हैं, इन सिक्स जोन्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। अब ये कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर क्या प्रिवेंटिव ऑफिसर की मेरे होम स्टेट में पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, तो डायरेक्ट ही आंसर है कि नहीं, आपकी होम स्टेट में पोस्टिंग नहीं होगी जब तक आप डॉक्स एरिया के अलावा हो। अगर डॉक्स एरिया से ही हो तो फिर हो जाएगी आपकी, जैसे आप मुंबई से हो तो होम स्टेट हो गया आपका, लेकिन आप अगर दिल्ली के हो या फिर नॉर्थ दिल्ली से हो या फिर एमपी से हो, चंडीगढ़ से हो, तो आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। वहाँ के एयरपोर्ट पे जा सकते हो आप डेपुटेशन बेसिस पे 3 से 5 साल के लिए, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके अलावा टेक्निकली देखा जाए तो आप लोग जा सकते हो, टेक्निकली बोले तो यस आप जाते हैं, एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर काम कर सकते हो। तो एक्साइज डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करिए, एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आप प्रिवेंटिव ऑफिसर एज प्रिवेंटिव ऑफिसर काम कर लोगे एयरपोर्ट पे। कुछ पोस्टिंग एक्साइज इंस्पेक्टर को मिलती है ओनली एयरपोर्ट के लिए, बाकी लैंड जहाँ कस्टम्स होता है वहाँ एक्साइज ही एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिवेंटिव ऑफिसर जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल कैसी है प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो आपको पता है कि डेस्क की जॉब है और फील्ड की जॉब है। ठीक है, तो फील्ड पोस्टिंग में क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, तो फील्ड पोस्टिंग में आपकी एयरपोर्ट पोस्टिंग होती है और सी पोर्ट होती है, जो कि जैसे मुंबई है तो मुंबई में जेएनपीटी होती है, इसके अलावा एयरपोर्ट है मुंबई में, कार्गो एयर कार्गो होता है और एक हेडक्वार्टर, सबकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है। ठीक है, उसके अलावा तो इसका काम क्या है, तो इसका काम मेन जो है वो पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज है, और अगर कहीं स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स एक्सप्लोजन ऑफ गोल्ड और अदर थिंग की जो कि बैंड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन चीज़ों की स्मगलिंग को रोकना है, प्रिवेंशन है। इसका नाम प्रिवेंटिव का नाम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, एक तरीके से जो भी बैंड किया सरकार ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी में, तो उनको बैन मतलब उनको आप एक तरीके से स्मगलिंग करने से रोकना है, ये प्रिवेंटिव का मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये अगर जहाँ वेसल आते हैं तो उसको बोर्डिंग बोलते हैं, जो चीज़ यहाँ लिखी है कि चेक द शिप्स एंड कार्गो बोट्स कमिंग इन दो कंट्री फॉरेन कंट्रीज़, तो इस चीज़ को बोर्डिंग बोलते हैं। आपको जो शिप्स आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से या फिर इन अपनी कंट्री से, तो उनको चेक करना होता है कि वहाँ पे कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है, आपको सारी चीज़ें करना था। अगर वहाँ कुछ मिल जाता है तो वो कॉन्फिस्केट करना होता है और उसका केस बनाते हैं, उसको पंचनामा बोलते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन की तरह एक है, जैसे सब इंस्पेक्टर में होता है, अगर वो क्राइम हो गया तो उसका पूरा पंचनामा बनाना, जिससे उस पर केस चल सके और अपना रेवेन्यू का जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सके सरकार। ठीक है, उसके अलावा डेस्क पोर्ट है, डेस्क पोस्टिंग है। डेस्क पोस्टिंग में क्या है कि जब आप ये यहाँ काम करोगे तो यहाँ कुछ केसेस फाइंड होंगे, कुछ लीगल केसेस चलेंगे, जैसे आपने केस बना दिया तो उसको प्रूव करना, तो उसके लिए कुछ सेक्शंस हैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड या फील्ड से रिलेटेड या सेक्शंस हैं कि जो क्लरिकल होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपको फाइल वर्क करना होता है, जैसे वहाँ पे एक TRC एक सेल है, रिकवरी एक सेल है, वहाँ रिकवर करना होता है। वहाँ जैसे कस्टम ने किसको अमाउंट आपको पेनल्टी लगा दिया इंपोर्टर एक्सपोर्टर, तो इन सेक्शनों में आपको रिकवर करना है, डिस्पोजल है, वहाँ कोई सामान सीज कर लिया तो उसको डिस्पोज करना, तो काफ़ी चीज़ें सेक्शनों में होती हैं। तो सेक्शन में आप 9 to 5 जॉब जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस फाइल वर्क ही होता है, जैसे नॉर्मली वन नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह जो होती है वो सब के लिए वो सेम है। उसके अलावा प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो प्रमोशन एस्पेक्ट आजकल 2 ईयर आपको कर दिया है, सिर्फ 2 ईयर ही रिक्वायरमेंट है, तो कंपेरेटिवली कह सकते हो कि आपके प्रमोशन एग्जामिनर के लॉन्ग टर्म में देखे तो बराबर नहीं है, लेकिन इक्वल ही है आजकल। तो ये मैंने लिख दिया लाइन, पुरानी लाइन थी इसलिए
उसके अलावा इसमें क्या है कि आपको 4-5 साल में सुपरिटेंडेंट पहला प्रमोशन मिल जाएगा आपको एज ए PO। आप 4-5 साल मैक्स रह पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं रह पाओगे। अगला प्रमोशन आपको 15 से 20 ईयर में असिस्टेंट कमिश्नर बन पाओगे इक्वल टू AC रैंक। उसके बाद मुश्किल से कोई कोई DC बनेगा, क्योंकि सुपरिटेंडेंट से AC में बोतल नेक है, मतलब एक तरीके से प्रमोशन नहीं है। यहाँ से यहाँ जाने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा जोन गुड है, कौन सा बैड है, तो पर्सनल हर किसी का अपना ओपिनियन है। जैसे वर्कलोड वाइज देखा जाए और जिस चीज़ के लिए आप आते हो उस चीज़ के लिए देखा जाए, तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रिजाग, बचा गया है कोच्ची एंड गोवा, ठीक है। कुछ रह गया वो एक जोन तो मुझे पता नहीं है, वैसे मुंबई टॉप पे रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आगे चल के आपको कि क्या है। और सबसे पहले होम पोस्टिंग प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए आप आ रहे हो वो चीज़ें टेम्प्रेरी हैं और कुछ टाइम में वो चीज़ें नहीं रहेंगी, ठीक है। तो चॉइस करने से पहले देख लीजिएगा क्या चीज़ आपके लिए मैंडेटरी है क्या नहीं है, ठीक है। रियल एस्पेक्ट क्या क्या हैं, जैसे क्या प्रॉन्स हैं छोटे मोटे और प्रॉन्स हैं। जैसे इसमें 2 साल, जैसे मेरे को 2 साल हो गए हैं आप काम करते करते, मैं 2017 से नवंबर 2020 में ज्वाइन किया था, तो उसके बाद से मेरे को जो अनुभव हुआ है यहाँ पे, फैमिली टाइम यहाँ पे एनफ है। और अगर डिपेंड करता है स्टाफ आपके हेड जहाँ जोन है, जिसके 3 जोन हैं, JNPT है मुंबई में, एंड JNPT है, एयरपोर्ट है, एयर कार्गो और हेडक्वार्टर, मैं भी हेडक्वार्टर हूँ। तो हेडक्वार्टर में आप रहोगे और वहाँ पे अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज आएगी, तीन तीन के लोग, तीन तीन बंदे काम करेंगे एक गेट पे। आपकी गेट ड्यूटीज होते हैं, गेट ड्यूटीज ये होती हैं कि आपने जैसे डॉक्स एरिया है, डॉक्स एरिया से कुछ सामान आया तो वहाँ से अप्रूवल दे दिया, तो गेट पे एक PO बैठाया जाता है चेक करने के लिए कि इसकी परमिशन के बगैर यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, ये गेट है या डॉक्स एरिया है, तो यहाँ से कुछ सामान आएगा, यहाँ अप्रूव कर दिया, सुपरिटेंडेंट वगैरह बैठते हैं उसको डिवीजन बोलते हैं, वहाँ से कुछ अप्रूव कर दिया और यहाँ से कुछ एंटर कर रहा था, यहाँ गेट ऑफिसर होता है, वो एज ए PO होता है, उसकी परमिशन वगैरह यहाँ कुछ नहीं जाएगा। तो एज ए PO आपकी लाइफ में अगर गेट पर अगर 3-4 बंदे हैं तो आपकी पोस्टिंग है ना रहेगी, तब तो आपको 12-24 का रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन 12-24 के रेस्ट में जैसे मुंबई से सिटी में आने जाने में आप ट्रैवल ख़त्म हो जाता है, 4 घंटे 8 घंटे ख़त्म हो गया आपके, 16 मतलब टाइम नहीं बचा। अगर 4 बंदे हैं गेट पर तो आपको 12:36 या 12:48 का भी मिल जाता है, ठीक है। तो एज पर डिमांड, जैसे मुंबई में शिफ्ट चलती है 9 से 6 सुबह की शिफ्ट और शाम की चलती है 6 से सुबह के 9, कई जगह 12-12 घंटे चलती है, चेन्नई में, गोवा में अलग चलती है। तो जोन वाइज अपनी अपनी डिसाइडिंग फैक्टर है, वो अलग चीज़ें। यहाँ मैं प्रॉन्स बता रहा था कि फैमिली लाइफ है आपकी, कल्चर अच्छा है यहाँ पे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। उसके अलावा 9-to-5 जॉब है, अगर आप पोस्टिंग आपकी सेक्शंस में है तो 9-to-5 जॉब है, और फील्ड जॉब है तो नाइट शिफ्ट है, इस चीज़ का आप प्रॉन्स भी मान सकते हैं, कुछ लोग प्रॉन्स मान सकते हैं। नाइट शिफ्ट में क्या है, आपको है ना फ्रेश मिल जाता है लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाता है, इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहें कि कई चीज़ कई बंदों के लिए नाइट शिफ्ट कौन सी बन जाएगी, मतलब उनको पसंद ही नहीं है। शुरू में मेरे को पसंद नहीं थी, तो हर किसी का इंडिविजुअल है। उसके अलावा आप जैसे जॉन आप पोस्ट हेडक्वार्टर आओगे अगर, तो आपको अगर सेंसिटिव पोस्टिंग मिल गई जिसके लिए आप आ रहे हो, तो आपका क्या था कूल है फिर तो लाइफ, फिर तो प्रिवेंटिव ऑफिसर ऊपर ही ऊपर है। लेकिन उस चीज़ के लिए सोचिए जहाँ पहले कस्टम्स था उसके बाद कितने रिफॉर्म हो गए, स्कैनिंग आ गया, अपने डायरेक्ट मतलब अपना मैनुअल काम ऑनलाइन हो गया, तो उस चीज़ को उसी कस्टम्स के जो पावर्स हैं वो अपनी कम कर दिए हैं। तो उस चक्कर में आपकी कंपटीशन ज़्यादा है, देखिए कौन क्या है, पोस्टिंग आर लेस कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब आप उसकी चीज़ हर चीज़ की लड़ाई है, तो उसमें कुछ बंदे कर पाएंगे काम, जो कंपटीशन इज ऑलवेज देयर। तो मैंने लिखा है इस चीज़ को कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करेंगे कुछ लोग जिनके जुगाड़ होंगे, जिनके जुगाड़ होंगे तो वो जुगाड़ लगाएंगे, कुछ लोग प्रोटोकॉल ड्यूटी करेंगे, प्रोटोकॉल ड्यूटी होती है कमिश्नर है, कमिश्नर के कुछ पर्सनल एक्सपेंस या फिर कुछ व्हीकल या फिर उसको स्मूथनिंग कराने के लिए या फिर ऑफिस आने जाने के लिए, एक तरीके से जो SHO आपने देखा होगा, SHO को मुंसी प्रोवाइड होता है, एक कॉन्स्टेबल मिलता है, तो वैसे आपको एक कमिश्नर के लिए एक राहगीर जो रास्ता दिखाता है, थोड़ा एक्सपेंस छोटे मोटे एक्सपेंस खर्च करता है, तो वो एक प्रोटोकॉल ड्यूटी है, तो वो करोगे तो आपको उसके थ्रू अगर कमिश्नर उसके अंडर में कोई रिस्ट्रिक्शन है इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का, तो उसमें आपको डिवीज़न या फिर कुछ अच्छी पोस्टिंग दे देगा।
तो एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड हो गया, एक जुगाड़ हो गया, और कई लोग लग से JNPT मिल जाता है उन लोगों को। मुंबई में JNPT फेमस है, इसलिए मैं JNPT बार बार बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब सेंसिटिव पोस्टिंग से है, अगर आपको शुरू में मिल जाती है तो आप कूल हो जाते हो, अगर नहीं मिलती है तो आप थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढते हो। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुंबई है, तो मुंबई में हेड क्वार्टर है, तो हेड क्वार्टर में क्या है कि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स पे अच्छा नहीं है, तो उसी के लिए भी प्रिपेयर रहे हैं। आप एक संस्था में आ रहे हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो ऐसा नहीं है, ये संस्था में सबसे नीचे रैंक का पोस्ट है प्रिवेंटिव। सोचिए आप CBIC में अंडर आ रहे हैं, CBIC के अंडर में सबसे नीचे हवलदार होता है, उसके जस्ट ऊपर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर एज इंस्पेक्टर काम करो, तो आपका लेवल ज़्यादा नहीं है। आप हवलदार कुछ काम करता नहीं है, फाइल वर्क पर आप सबसे नीचे हो, तो साथ ज़्यादा उम्मीदें ना करके आए, इंस्पेक्टर भी रियल हो गए हैं, बाकी लक है अपना अपना, जिसको पोस्टिंग मिल जाती है तो उसकी बात अलग है। बाकी कुछ डाउट्स रह गए हों मेरे हिसाब से मैंने शॉर्ट बनाने की कोशिश करी है, तो अगर रह गए हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वापस ट्राई करूँगा, ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। थैंक यू, करें चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।